हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। स्वागत करती हूँ आप सबको एक नए दिन, एक नए ब्लॉग में, हमारा चैनल साई स्थिति अंशु ब्लॉग। आ गई हूँ मैं किचन में, ये सुबह का ही टाइम है, बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय और साथ में यहाँ पे इडली की बैटर की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। उड़द की दाल को तो रात को ही मैंने पीस के रख लिया था और ये जो है इसके ऊपर ये चावल अलग से भिगो के रखते हैं हम लोग, उसको बस छान के इसके साथ मिला लेते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। कुछ भी अगर हम लोग अपने कंटेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना चाय, और उस दिन थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से चाय में बैठ के आराम से नहीं एंजॉय कर पाई। मैं इडली बनाने टाइम ही मैंने चाय एंजॉय कर लिया था। चटनी की जो तैयारी थी वो मैंने रात को ही कर लिया था, बस उसमें तड़का लगाना बाकी था। उसको मैंने जस्ट फ्राई करके पीस के रख लिया था। चने की दाल, बादाम और नारियल की चटनी थी और साथ में हमने बना लिया था आलू मटर की सब्जी। साइंस को आ गई थी मैं यहाँ पे उठाने के लिए, उसको उठना नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी शक्ल बना के बैठा है। फिर फटाफट से उसको करवा लिया था ब्रश भी। साइंस को खाना खिलाना ये और ब्रश करवाना ये एक टफ टास्क रहता है मेरे लिए हमेशा से। एप्पल वो खुशी से नहीं खाता है, इस वजह से मैं सुबह उसको एप्पल और ओट्स की प्यूरी देती हूँ इस तरह से। हर रोज़ मैं उसको तेल मालिश करती हूँ और उसके बाद धूप में मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं उसको धूप में भी खेलने के लिए छोड़ती हूँ तेल लगाने के बाद। ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होती है क्योंकि ये इनका ग्रोइंग एज है, तो हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है उनके न्यूट्रिशन का, उनके हेल्थ का, मेंटल और फिज़िकल हर तरीके से हमें ही ध्यान रखना होता है। उसको छत पर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। साइंस जो तैयार होके गया था मार्केट, लेके आया अपने पापा के साथ पनीर और लड्डू अपने लिए, उसको लड्डू बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने लंच की भी तैयारी कर ली थी, आलू पनीर बीन्स और गाजर की एक मिक्स वेज टाइप की एक सब्जी बनाई थी और साथ में थे रायता, ये खीरे, एप्पल और गाजर, इसका ही रायता है क्योंकि आज सब कुछ हम लोग बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं। और इसमें अब थोड़े से ग्रेप्स हो तो आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है।
और साथ में है दाल और चावल। लंच के बाद हम लोगों ने लिया थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद ये शाम का टाइम है, ये करीब 5 बजे का टाइम है, और यहाँ पे हम लोग सब एक साथ आए हैं छत पे। थोड़ा सा घूमेंगे, फ्रेशर लेंगे, इन्जॉय करेंगे ये टाइम, आपस में थोड़ी सी बातें करेंगे, और ये टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। हम सब कोई छत पे ही थे। फिर उस टाइम के बाद हम लोग गए थे मार्केट, लेके आना था कुछ कर्टन्स और साथ में कुशन कवर भी, और बेडशीट वगैरह भी थोड़े से ख़राब हो गए थे, वो लेके आना था। तो एज सच मुझे कुछ कर्टन्स पसंद तो नहीं आए, बट मुझे प्राइस और डिज़ाइन दोनों मतलब इक्वली पसंद नहीं आए, तो मैंने कर्टन्स तो नहीं लिए। मैंने बहुत सारे कर्टन्स देखे जो अच्छे लग रहे थे, उसके प्राइस काफ़ी हाई था। तो यहाँ से मुझे कुशन कवर लेकिन बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने ले लिया। कुछ कुशन, दो सेट कुशन कवर लिया और एक दीवान कवर, एंड पूरा एक सेट लिया मैंने उसका। ये 5 पीसेस का सिर्फ 350 रुपीज़ का आ रहा था। कपड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने ये कट पीस से बनाया था, तो थोड़ी सी सस्ती मिल गई मुझे, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद हम लोग गए थे डिनर पे, हम लोगों ने साथ डिनर एंजॉय किया। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।